हाय, वेलकम बैक। मैं हूँ अमृता। आज जिस मूवी को मैं पेश कर रही हूँ उसे रशियन अवेंजर्स भी कहा जाता है। मूवी का नाम है गार्डियंस। ये मूवी 2017 में रिलीज हुई थी। रशियन साईफाई मूवी है। मूवी की कहानी शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जहाँ पे रशिया यानी USSR और USA के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। उसी दरमियान US के कुछ सीक्रेट अटैक से बचने के लिए रशियंस एक अजीब एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। इन एक्सपेरिमेंट्स का मकसद ये था कि उनको सोवियत नेशंस को सुपर हीरोज की आर्मी तैयार करनी है। ये एक्सपेरिमेंट इंसान एंड जानवरों पे किए जाते थे, जहाँ पे उनके DNA मॉडिफाई किए जाते थे यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग, और उन्हें सुपर पावर दी जाती थी। USSR में शामिल होने वाले काफी सारे देशों में ये ऐसे एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, जहाँ पे कुछ गिने चुने इंसानों को सुपर हीरो बनाने की कोशिश की जा रही थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में ही हम देखते हैं इनकी जो एक्सपेरिमेंट रहते हैं वो कुछ लोगों में सक्सेसफुल हो जाते हैं और कुछ लोगों में सुपर पावर्स आ जाती है। तो ये सुपर हीरोज रहते हैं, सबसे पहला सो कॉल्ड हीरो रहता है आर्सनी। DNA चेंज करने के बाद उसे एक नया रूप मिला था और एक बहुत ही बड़े पियर मैन में वो चेंज हो सकता था। उसकी पर्सनालिटी किसी बीस्ट से कम नहीं थी, काफी ताकतवर था वो। दूसरा सुपर हीरो था तेमीर। उसके पास सुपर स्पीड था और उसके साथ साथ वो तलवारबाजी में बहुत ही तेज था। तीसरा था लेर, जो कि कई बार धरती के अलग अलग एलिमेंट्स जैसे पत्थर, हवा, इनको कंट्रोल कर सकता था। और सबसे आखिरी में थी जेनिया। उसके पास इनविजिबिलिटी की पावर थी। इसके साथ साथ वो अपने शरीर के टेम्परेचर को भी बढ़ा या कम कर सकती थी। पूरे खुद के शरीर को वो पानी में बदल भी सकती थी। तो ये ऐसे चार मेन सुपर हीरो रहते हैं। इस प्रोग्राम को हेड कर रहे थे प्रोफेसर जॉर्ज। इसी दरमियान हमें दूसरे लैब में प्रोफेसर अगस्टस को दिखाया जाता है। उनका एक्सपेरिमेंट कई बार फेल हो जाता है और USSR उनके इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर देती है। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि कोई और एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया है, तब वो काफी गुस्सा हो जाते हैं और जेलिसी के चक्कर में वो एक रिमोट लोकेशन पे चला जाता है सोवियत अथॉरिटी से दूर, और वहाँ पे वो अपने एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करने लगता है इलीगली। इसके एक्सपेरिमेंट का शिकार काफी सारे मासूम लोग होते हैं जिन्हें पता ही नहीं था उनके साथ क्या हो रहा है। वो एक्सपेरिमेंट में इतना पागल हो गया था कि वो खुद पे एक्सपेरिमेंट करने से भी पीछे नहीं हटता। इसी दरमियान सोवियत मिलिट्री को पता चल जाता है कि ये लीगल एक्सपेरिमेंट कर रहा है, इसीलिए मिलिट्री उसके इस लैब पे अटैक करती है। लेकिन उसे पहले से ही पता था कि मिलिट्री उसके ऊपर अटैक करने वाली है, इसीलिए उसने लैब के अंदर ही एक बॉम्ब लगा के रखा था जिसमें सारे मिलिट्री के लोग तो मारे जाते हैं लेकिन वो खुद सरवाइव हो जाता है क्योंकि उसने ऑलरेडी खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। इस धमाके के बाद हम उसे देखते हैं जो किसी 20 से कम नहीं था और उसके शरीर को उसने साइबॉर्ग अटैच किया हुआ था, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता था और काफी सारे मशीन्स को भी कंट्रोल कर सकता था। यही पे वो रुकता नहीं है। जो मेन लैब रहती है जहाँ पे ये सुपर हीरोज रखे थे, उस पूरे लैब को भी डिस्ट्रॉय करता है। अब दोस्तों, यहाँ पे ये सुपर हीरो नए नए बने थे, उन्हें सिचुएशन को कैसे रिएक्ट करना था ये पता नहीं था, और एक्सप्लोजन के कारण ये चारों भी लोग अलग अलग जगह पे जाके छुप जाते हैं और अपनी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं दुनिया से भागते हुए। अब आता है प्रेजेंट डे। प्रेजेंट डे में हम मिलिट्री रोबोट्स का एक एग्जीक्यूशन देख रहे होते हैं, जहाँ पे आर्मी इनकी ट्रेनिंग एक्सरसाइज ले रही थी कि कैसे रोबोट्स आगे आने वाले वॉर्स में यूज हो सकते हैं। लेकिन अचानक से ये सारे रोबोट्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और एक एक करके मिलिट्री के ही टैंक्स को उड़ा देते हैं, और देखते देखते मिलिट्री का कमांड सेंटर को भी उड़ा देते हैं, जिसके कारण बड़े बड़े मिलिट्री के ऑफिसर्स मारे जाते हैं। प्रोफेसर अगस्त ही रहता है। अब इस हादसे के कारण मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक मीटिंग बुलाती है जिसमें ये डिसाइड होता है कि जितने भी इनके सुपर हीरोज थे उन्हें वापस बुलाया जाए अगस्टस के खिलाफ लड़ने के लिए। ये मिशन मेजर लीड कर रही थी और वो अपनी टीम से इन सुपर हीरोज को ढूंढने के लिए कहती है उनके स्ट्रेंथ के हिसाब से। उसे सबसे पहले लेर मिलता है जो आर्मेनिया के एक मोनेस्ट्री में रहता था। लेर को काफी पहले से अगस्टस से बदला लेना था क्योंकि उसने मासूम लोगों की जान ली थी। जब उसे पता चलता है कि मिशन उसके खिलाफ है तो वो ज्वाइन करता है। उसके बाद ये लोग तेमीर को ढूंढते हैं जो कजाकिस्तान में रहता है, उसे भी इस मिशन के लिए कन्विंस किया जाता है। उसके बाद ये लोग आर्सस को ढूंढने के लिए जाते हैं जो जंगल में एक रिमोट जगह पे रह रहा था, और फिर आखिरी रहती है जेनिया जो में एक सर्कस में काम कर रही थी और लोगों में वो काफी फेमस थी। इन्हें मिशन के बारे में बताया जाता है और ये लोग मिशन के लिए रेडी हो जाते हैं। इनका सबसे पहला काम था कि ऑगस्टस की जो लेबोरेटरी है उस पर रेड डालना। अब ये लोग उसके ओल्ड लैब में चले जाते हैं, लेकिन वो एरिया हाईली सिक्योर्ड रहता है। इस पूरे लैब के आसपास काफी सारे अगस्टस के आदमी होते हैं। सबसे पहले हम जीनिया को देखते हैं, वो इनविजिबल होके उनसे गुजर रही थी। लेकिन मानो अगस्टस और उसके लोगों को इन चारों का इंतजार ही था, इसीलिए एक ही सेकेंड में उसके सोल्जर जीनिया के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं और देखते ही देखते वो फ्रीज हो जाती है। दूसरी जगह पे आर्सस और तेमीर भी काफी फाइट
मारपीट करते हैं, काफी सारे अगस्टस के लोगों को मार भी डालते हैं, लेकिन दूर से इन दोनों को भी इंजेक्शन दिया जाता है जिसके कारण ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। तीसरा था लेर। अब ये खास करके रॉक को कंट्रोल करता था, लेकिन उसके अगस्टस से पर्सनली दुश्मनी रहती है, इसीलिए अगस्टस उसका सामना करने के लिए खुद आता है, लेकिन अगस्टस के पावर के सामने उसका कुछ भी नहीं चलता और एक ही झटके में अगस्टस उसे मार गिराता है। अब यहाँ पे चारों को भी पकड़ते हैं। अगस्टस उनको ऑफर करता है कि वो उसके टीम में शामिल हो जाए और गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़े, लेकिन ये तीनों भी मना करते हैं। इसके कारण अगस्टस को काफी गुस्सा आ जाता है, इसीलिए तीनों को भी ट्रैप करता है और उनके आसपास मैग्नेटिक फील्ड का एक जाल बिछा देता है जिसके कारण इनकी पावर वीक होने लगती है। चौथा था लेर। वो उसे काफी इंजर कर देता है और ऐसे ही रशिया के अवेंजर्स एक ही झटके में दुश्मन के हाथ लग जाते हैं और अगस्टस अपने अगले प्लान के लिए निकल जाता है। अपने पावर से वो मिलिट्री के व्हीकल, उनके टैंक सारे कंट्रोल करते हुए शहर में लेके आता है और देखते देखते पूरे शहर में हल्ला मच जाता है क्योंकि सारे टैंक्स गाड़ियों को कुचलते हुए जा रहे थे, काफी लोग मारे जाते हैं। इसीलिए वो मॉस्को के दो बड़े टावर जो रहते हैं वो पूरा उखाड़ता है और उसके सारे चॉपर्स उन टावर्स को एक जगह पे लेके जाते हैं। उसका प्लान ये रहता है कि इन टावर्स के थ्रू वो सोवियत के ओल्ड सैटेलाइट को सिग्नल भेजेगा, उसके थ्रू ऑर्बिट में घूमने वाले सारे सैटेलाइट पे वो अपना कंट्रोल करेगा और दुनिया भर के सारे टेक्नोलॉजी को वो कंट्रोल करने लगेगा, जिसके कारण जितने भी मिसाइल्स हैं, जेट हैं, बड़े बड़े वेपन्स हैं अलग अलग देशों के, वो सारे अगस्टस के कंट्रोल में आएंगे और जब जी चाहे वो किसी के ऊपर भी हमला कर सकता है। अब ये उसका प्लान रहता है पूरे वर्ल्ड को इन्वेड करने का। तो दूसरी जगह पे मेजर एलन अपने सुपर हीरोज को ढूंढने के लिए जाती है और उन्हें रेस्क्यू करके वापस वो अपने सेंटर में ले आती है। उसे रियलाइज होता है कि इस टीम को ट्रेनिंग की जरूरत है, इसीलिए वो एक दूसरा प्लान बनाने लगती है कि कैसे इनको ट्रेन किया जाए। मीनवाइल उसे पता चलता है कि अगस्टस जिस लैब में कुछ सालों पहले काम कर रहा था तभी उसका एक राइवल भी था और उसे इसके प्रोजेक्ट के बारे में काफी ज्यादा जानकारी थी। वो उस राइवल को ढूंढ निकालती है। वो एक बूढ़े इंसान रहते हैं और उसे अगस्टस का एक क्लोन का प्रोग्राम रहता है, उसे स्टडी करने के लिए कहती है ताकि अगस्टस के क्लोन की वीकनेस पता चले और उसके ऊपर हमला कर सके। दूसरी जगह पे अगस्टस इस पूरे टावर को एक जगह पे लैंड कराता है और उस टावर के आसपास जितने भी बिल्डिंग्स है वहाँ पे अपने रोबोट्स लगाता है। जैसे ही मिलिट्री के जेट्स उसे मारने के लिए आते हैं, ये रोबोट्स उन सब का खात्मा कर देते हैं और उस टावर के थ्रू वो अपना प्रोग्राम एक्टिवेट करता है और सोवियत यूनियन की जो एक सैटेलाइट रहती है मेन, उसका कंट्रोल ले लेता है। यहाँ पे दूसरी जगह मेजर एलेन अपने सुपर हीरोज को काफी इंटेंस ट्रेनिंग देने लगती है, कैसे फाइटिंग करनी है, कैसे पैतरे यूज करने हैं। इसके अलावा इन लोगों को हर एक की एबिलिटी के अनुसार काफी खतरनाक सूट दिए जाते हैं ताकि वो अपने पावर और एनहांस कर सके। काफी इंटेंस ट्रेनिंग के बाद इसकी टीम रेडी हो जाती है। अब गार्डियंस मॉस्को पहुंच जाती है और जितने भी अगस्टस की आर्मी रहती है वो उन्हें मारने लगती है। इन लोगों को उस टावर पे पहुंचना था जहाँ पे अगस्टस का प्रोग्राम रन हो रहा था। ये लोग पास के ही मॉल से ऊपर चले जाते हैं। वो मॉल और उस टावर को जोड़ने के लिए एक पाइप रहता है और उस पाइप से जाने लगते हैं, लेकिन ये देखते हुए काफी सारे अगस्टस की आर्मी आ जाते हैं और इनको शूट करने लगते हैं। लीर इन लोगों को बचा रहा था लेकिन ज्यादा देर तक ये लोग वहाँ पे टिकने वाले नहीं थे। लेकिन तभी तेमीर जो की प्लेन से आ रहा होता है वो प्लेन से स्विंग करता है और जो अगस्टस के सोल्जर्स रहते हैं, जिसके कारण अगस्टस की सारी आर्मी नीचे गिर जाती है और ये चारों भी लोग उस टावर में आ जाते हैं। अब यहाँ पे इनका प्लान था कि कैसे भी जो पावर सोर्स है अगस्टस के प्रोग्राम का उसे डिस्ट्रॉय करना है। जीनी आगे बढ़ती है और जो पावर सोर्स था उसे डिस्ट्रॉय करने लगती है, लेकिन धीरे धीरे वो बेहोश होने लगती है और आर्सस आके उसे वहां से हटाता है। पावर सर्किट टेम्पररीली डिसेबल हो गया था जिसके कारण आसपास जितनी भी फोर्स फील्ड थी वो कोलैप्स हो जाती है। अब ये चारों भी ऊपर आ जाते हैं और अगस्टस से लड़ने लगते हैं, लेकिन वो इतना पावरफुल था कि एक झटके में ही चारों को वो मार गिराता है। अब वो एक एक करके सबको मार ही डालने वाला था, लेकिन तभी तेमीर वहाँ पे आता है और अपने सुपरसोनिक स्पीड से तीनों को भी उठाता है, एक रस्सी से बांधता है और एक प्लेन जा रहा था उससे वो एस्केप करता है इन लोगों को लेके। लेकिन अगस्टस उस प्लेन का कंट्रोल लेता है और उन्हें क्रैश करने जाता है, लेकिन इसके पहले ही तेमीर अपनी रोप कट करता है और नीचे ये चारों लोग गिर जाते हैं और वो वापस अगस्टस से लड़ाई करने के लिए जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे मेजर एलिना आती है। उन बुजुर्ग से एलिना को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी। वो बुजुर्ग अगस्टस के साथ साथ इन चार सुपर हीरोज के डीएनए भी चेक कर रहा था और उन्हें पता चलता है कि ये चारों अगर इकट्ठा अपनी फोर्स जनरेट करने लगे तो एक पूल ऑफ एनर्जी बनेगा और इस पूरे एनवायरनमेंट में वो ब्लास्ट होकर रिलीज हो जाएगा, जिसके कारण अगस्टस और उसका प्रोग्राम डिसेबल हो सकता है। अब गार्डियंस अपने पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए पावर जनरेट करने की कोशिश करते हैं और देखते ही देखते उनसे एक एनर्जी वेव जनरेट होने लगती है जो इतनी पावरफुल थी, जब वो रिलीज होती है तब पूरे शहर को वो तबाह करते हुए जाती है, जिसमें अगस्टस और उसका प्रोग्राम भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, अगस्टस भी मारा जाता है और इस तरह रशियन
अवेंजर्स पूरी दुनिया को सो कॉल्ड बचा लेते हैं। थोड़ी देर के बाद इन गार्डियंस को होश आता है और वो पूरे सिटी को वापस रीबिल्ड करने लग जाते हैं और मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। मेरे ख्याल से रशियन अवेंजर्स नहीं है, ये फुसके अवेंजर्स है। आई थिंक मेरे ख्याल से इनको अवेंजर्स ही नहीं बुलाना चाहिए, और पता नहीं इनको क्या बुलाना चाहिए। आप ही बताओ इनको क्या बुलाना चाहिए। इसका सेकेंड पार्ट भी आने वाला था जिसमें और एक सुपर हीरो ज्वाइन होने वाला था, और वो भी पता है कौन से कंट्री से, चाइना से। आई मीन चाइना का सुपर हीरो। फिर तो अच्छा ही हुआ इसका सीक्वल नहीं आया, राइट? आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।